कटिहार में चल रही ODF मुहिम इन दिनों धीमी पड़ गई है। जिला अधिकारी ने कहा कि अक्टूबर 2018 तक पूरे जिले को ODF घोषित करना लक्ष्य था, लेकिन कटिहार में बीते दिनों बाढ़ के कहर से इस मुहिम को ब्रेक लगाया गया है, जिस वजह से ये अभियान फिलहाल धीमे पड़ गया है। वहीं SDM ने बताया कि 7 निश्चय योजना और लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत पूरे जिले में 9 से 12 फरवरी तक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आगामी 12 फरवरी को जिले में कुरसेला प्रखंड को पहला ODF घोषित किया जाएगा। कटिहार जिला को हम लोग को अक्टूबर 2018 तक ODF करना है। जिला प्रशासन ने अपनी ओर से जून 2018 का लक्ष्य तय किया है बाढ़ की स्थिति को देखते हुए। आज के दिन सुखद संयोग ये है कि जो हम लोग को पूरा लक्ष्य मिला था उसमें आज कटिहार जिला 1 लाख शौचालय का लक्ष्य आज पूरा कर रहा है, और हमारे पास इस वित्त वर्ष में 1000 भी वार्ड को ODF करना शेष है। और संजो की बात है कि 12 तारीख को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के बाद उनकी अस्थियां कटिहार में विसर्जित की गई थी गंगा और कोसी के संगम में कुरसेला प्रखंड में, और उस कुरसेला प्रखंड को पहला ODF प्रखंड घोषित करने के लिए और बनाने के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत की है। हम लोग आशा करते हैं कि 12 तारीख तक जो भी निर्माणाधीन शौचालय वो सब बन जाएंगे। वहीं इस दौरान DM ने लोगों से स्वच्छता को लेकर अपील भी की और लोगों से साफ तरीके से रहने के लिए कहा। पंजाब केसरी TV के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।